ब्रेकिंग न्यूज युवा मध्य प्रदेश है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र टांडा हर कार्यकर्ता एवं सहायिका रहती हैं केंद्र से नदारद। आपको बताते चलें, ग्राम पंचायत कोटला के तरह टोला आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिला तिवारी सहायक कार्यकर्ता छोटी देवी कुल केंद्र से नदारद रहे। केवल रसोईया मौजूद रही। रसोईया निराशा देवी द्वारा क्या बताया गया और वहाँ पर उपस्थित ग्रामीणों में छोटे लाल यादव, इंद्रजीत प्रजापति, सूरज प्रजापति क्या बताया, आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। वहां पर छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को केंद्र तक कौन लाता है, न सहायिका मौजूद रहती है, न कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, रसोइयों के द्वारा भोजन कराया जाता है। यदि कोई अनहोनी घटना घटित हो जाए उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश शासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्या करते हैं। मौके पर 10 बच्चे मौजूद रहे। संवाददाता ने जब दूरभाष के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क करना चाहा, उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। देखने वाली बात यह होगी, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले कार्यकर्ता एवं सहायिका के खिलाफ कार्यवाही कब होगी, यह देखने वाली बात होगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। आपकी खबर हमारी नजर। देखने वाली बात यह है कि बाल परियोजना अधिकारी का ध्यान इस ओर दिलाना है, जिला कलेक्टर महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना है, एडीएम सदर पीके पांडे का ध्यान दिलाना है कि ये जो टेढ़ार में मौजूद है आपका जो है आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ पर न सहायिका है न कार्यकर्ती है, खाली जो है रसोईया मौजूद है यहाँ पर, जो बच्चों को भोजन प्रोवाइड कर चुकी है और शायद भोजन जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिलता होगा, वो एक एनजीओ है, लेकिन अगर जो छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई घटना और दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से तहसील चीफ कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। बच्चों यहाँ पर भोजन कर चुके, कुछ ग्रामीण जन भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे सीधे आपको रूबरू कराऊंगा। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत जी, ये आप यहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र, ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, ये बच्चों को यहाँ तक लाने ले आने का काम दाइयों का है, लेकिन न दाई है न आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अगर तो कोई घटना यहाँ पर घटित हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या बताएं? आपको पता नहीं है क्या बताएं? और क्या नाम है बेटा आपका? यही जी हो, क्या नाम है? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? टढ़ार के। तो ये बच्चे यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कभी आती है यहाँ पे? नहीं आती है। अभी यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? छोटे लाल यादव जी मेरे सामने मौजूद है, मैं उनकी जुबानी सुनाऊंगा कि सर ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आज मैंने मौके पर ये देखा कि जो दाइयां हैं जो भोजन बनाने वाली वो तो मौजूद है, लेकिन न सहायिका है यहाँ पर और न ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, ये छोटे छोटे नौजवान बच्चे हैं, अगर इनके साथ कोई घटना घटित हो जाएगी उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? मौजूद रहेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना है और डीओ साहब का ध्यान, डीओ रीवा का ध्यान दिलाना है कि आखिरकार ये अध्यापक विद्यालय में क्यों मौजूद नहीं मिलते हैं, इनको किनका संरक्षण प्राप्त है और ऐसे अध्यापक खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट।